मेन ये है कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस रूम पे भी टेस्ट दे रहे होंगे प्रेलिम्स के लिए, और आप लोगों ने यहाँ स्कूल के अंदर दिया है, तो क्या डिफरेंस लगा? क्वेश्चंस सही रहते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स 2024 अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और इस समय जो है सारे एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट लगाने में बिजी है। और अभी जो है यहां पर जी एस स्कोर के द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्या फीडबैक देते हैं, और पेड होने के बावजूद भी जी एस स्कोर का जो मॉक टेस्ट है उसका क्रेज़ इतना क्यों है। हेलो मैम, कैसा रहा टेस्ट? अच्छा था। दो मिनट टाइम दीजिए। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिया? अराउंड 80। अच्छा, तैयारी कब से चल रही है? दो साल से। अच्छा, 2023 के प्रीलिम्स पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है उस हिसाब का था यहाँ पर? हाँ, सिमिलर था। अच्छा, ऑप्शंस ऐसा ही दिया ना, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऐसा करके? हाँ, सेम ही था, सेम पैटर्न था। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे, अभी स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट? मतलब 60 के आसपास। जैसे कि ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है प्रीलिम्स का, है ना, तो किस लेवल के क्वेश्चन सेटअप किए गए? क्वेश्चन सही रहते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, और जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न है लास्ट ईयर से, जैसे 2023 जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ था 2023 में, है ना, तो उस हिसाब से बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए ये प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने और भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, कितना स्कोर आ रहा है? अभी तो 80 प्लस चल रहा है, पर जैसे जनरल के लिए 100 कम से कम मॉक में आने चाहिए, तो फुली इम्प्रूव हो जाएगा कुछ मंथ्स में। टेस्ट देने के बाद आपको मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस मिला कि पेपर? हाँ जी, मिलता है, टेस्ट देना चाहिए, जरूरी होता है टेस्ट देना। पीवाईक्यूस कितने लगा? पीवाईक्यू मोस्टली सारे कर लिए। पीवाईक्यू चीज़ मतलब पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है करना। अच्छा, तो जो एक्सपीरियंस मिला दो तीन अटेम्प्ट से, तो उससे समझ में आया कि पीवाईक्यू इज़ द नेसेसरी। बहुत सारे एक्सपीरियंस रूम पे भी टेस्ट दे रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए, और आप लोगों ने यहाँ पर स्कूल पे मतलब स्कूल के अंदर दिया है, तो क्या डिफरेंस लगा? देखिए, काफ़ी डिफरेंस है। लाइक इट्स लाइक कि आप जब यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो दे हैव प्रोवाइडेड द सेम एनवायरनमेंट ओवर हियर, तो उस एनवायरनमेंट की वजह से आप पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है डिफरेंट सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे को लेट हो गया था फर्स्ट वाले एग्जाम में जब मैं आई थी, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट होम टाउन, मेरा होम टाउन मुजफ्फरनगर है। तो मैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। ओके, तो आपका यह कहना है कि यहाँ पर एग्जाम हॉल जैसा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, तो उसके वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, राइट? कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और काफ़ी चीज़ें पता लगती है कि जैसे आपके लूप होल्स है कि अगर आपको मेन एग्जामिनेशन में जाना है तो क्या क्या चीज़ें अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एनर्जी ड्रिंक लेके जाना अपने साथ, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा सा एग्जांपल हो कि आपको कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, कि एकदम लूज क्लोथ्स पहन के जाने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, किस तरीके से टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। मैम, और भी कोचिंग, जैसे कि कुछ कोचिंग पेड भी मॉक टेस्ट करा रहा है, फ्री भी मॉक टेस्ट करा रहा है, लेकिन जी एस स्कोर का मॉक टेस्ट का इतना क्रेज क्यों है, क्या खास है? इट्स नॉट लाइक दैट कि जी एस स्कोर के मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रेज़ तो जी एस स्कोर जो अभी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट था, मतलब जी एस का तो बहुत अच्छा था, बट सी सैट का थोड़ा ठीक था। मतलब रैंकिंग अगर करना हो तो कितना रैंक देना चाहेंगे आप? बढ़िया है, मतलब सही है, दे सकते। 10 कितना रेटिंग? आउट ऑफ 10 आई वुड लाइक टू से 7। ओके, चलिए मैम, ऑल द बेस्ट, होप यू विल बी सिलेक्टेड। थैंक यू।